हेलो गाइस, वेलकम टू द एजुमेटी न्यूज। तो गाइस, आप लोगों के लिए आज एक गुड न्यूज है। अगर आप मेरे सोशल मीडिया लिंक से कनेक्टेड हो तो आपको ये बात पहले ही पता चल चुकी होगी कि एंटमैन के जो डायरेक्टर है उन्होंने कुछ कमेंट्स करे, कुछ थॉट दिए डिज्नी और फॉक्स के डील के लिए। और सबसे पहले उनका जो इंटरेस्ट था वो था फैंटास्टिक फोर। तो उन्होंने बताया अपने ऑफिशियली अकाउंट पर कि हाँ, फैंटास्टिक फोर को एंटर करने के लिए मेरे पे 6 तरीके हैं, और वो 6 तरीके अगर मार्वल स्टूडियो इंटरेस्ट ले तो मैं जरूर बताना चाहूंगा। उन्होंने कुछ इस टाइप के कमेंट करे, और देन मैं ये बताना चाहता हूँ कि एंटमैन के डायरेक्टर के जो दिमाग में चल रहा है वो काफी अच्छा चल रहा है। और देन उनके पास जो 6 तरीके हैं फैंटास्टिक फोर को एंटर करने के लिए एमसीयू में, कि इनकी टाइमलाइन कैसे एंटर करेगी, और देन एवेंजर्स कहाँ थे, फैंटास्टिक फोर कहाँ थे उस टाइमलाइन में जब थैनोस ने स्नैप करा। और देन मेरे हिसाब से उन्होंने शायद एक चीज तो रिवील करी थी कि वो फैंटास्टिक फोर को एक म्यूटेंट के तौर पे दिखाना चाहेंगे, जैसा कि एक्समैन एंटर करेंगे जब एमसीयू में। तो फाइनली उनका एक आइडिया ये काम कर ही रहा है, और देन देखते हैं कि उनपे और कौन से 5 तरीके हैं एमसीयू में फैंटास्टिक फोर को एंटर करवाने के लिए। तो ये काफी अच्छी गुड न्यूज है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिए। और गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।